ये जो फोटोग्राफी आर्ट है इसको आप क्रिएटिव फोटोग्राफी आर्ट कह सकते हैं। इन डाइवर्सिटी ये हमारा आज ये इस साल का ये थीम है। टोटल 125 फोटो आर्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ, वो उधर में एक कॉन्फ्रेंस रूम में थोड़ा बूथ है, लेकिन 125 में 110 इधर में डिस्प्ले है। ये जो फोटोग्राफी जो साइज है ये 22x33 इस साइज का फोटोग्राफी एग्जीबिशन आज तक कलकत्ता में नहीं हुआ। ये मेरा मानना है आज तक कलकत्ता में इतना बड़ा साइज का फोटोग्राफी एग्जीबिशन नहीं हुआ। कुछ स्पेसिफिक थीम है लाइक कौन सी फोटोग्राफी का पार्ट है लाइक थीम स्पेसिफिक? इंडिया इज अ वैरायटी ऑफ नेचर्स, वैरायटीज ऑफ पीपल एंड लाइक दिस ह्यूमन नेचर इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैरायटीज। तो इसलिए हमने सोचा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर फोकस करें तो अच्छा रहेगा। अगले महीने माँ आ रहा है सर्दिया, उसी पर एक थोड़ा सीरीज है। वुमेन पावर आजकल हर जगह, हर कोने में, इंडिया का, वर्ल्ड का हर कोने में वुमेन पावर के बारे में बहुत बात हो रहा है, उसके बारे में बिल आ रहा है। बहुत सारे काम जो है वुमेन पहले नहीं करते थे आज कर रहा है। तो इसलिए मैं वुमेन पावर के, नारी शक्ति के बारे में सोच के कुछ वैरायटी ले आया हूँ। इस तरह का माँ है, इस तरह का एक नारी का से पूरा लाइफ का जो फेसेस है उसके ऊपर है, जो कलकत्ता का जो बेस्ट इंटरटेनमेंट बंगाली का है, तो मैदान फुटबॉल है, फुटबॉल के ऊपर एक सीरीज है। तो इसी तरह वैरायटी एक ह्यूमन बीइंग का जो वैरायटीज नेचर है उनका रिफ्लेक्शन हम कैप्चर करने का हम प्रयास किया है। हम लोग का दर्शक में तो कोई भी फोटोग्राफर है, तो वो जो फोटोग्राफर है उसको लिए आपका थोड़ा एक मैसेज बोल दीजिए, कैसे आपका साथ जोड़ सकते हैं? सुनिए, देखिए, आज पूरा वर्ल्ड में फोटोग्राफी कोई भी कर सकता है उसका फोन से, लेकिन उसके लिए उनका अंदर का जो आई है, अंदर का जो भावना है उनको जागृत करना चाहिए। उसके लिए उनको नेचर को देखना होगा, उनके लिए उनको रास्ता में चलना होगा। जो पिक्चर हम लोग नहीं देख पाते हैं, हम जो लोग जो क्रिएटिव आर्ट है, क्रिएटिव आर्टिस्ट है, वो पिक्चर कैप्चर करके आज आपके सामने लाते हो। इसलिए जो उसके अंदर छक के आप अपने कोई फीलिंग्स को महसूस कर सकें, तो आप पहले नेचर को जानिए, आप पहले पढ़िए। फोटोग्राफी एक कला है जिनको भारत सरकार 1963 के बाद उनको फाइन आर्ट का रूप दिया है, और सारा वर्ल्ड में ये फोटोग्राफी के लेकर जो भी पुरस्कार है उनसे वो थोड़ा कम हमारे इंडिया में है। हम इस साल ललित कला अकादमी का पुरस्कार हमको मिला है, तो दिल्ली में जाकर हमको ऐसा मिला, वहाँ पर फोटोग्राफी आर्ट सीखने के लिए इतना क्रेज है, वो हमको महसूस हुआ कि कलकत्ता में होना चाहिए, हो रहा है अभी। इसलिए हमारा एग्जीबिशन थोड़ा बहुत उनके लिए Feeling for the like keyboard.
দুর্গাপূজার আগে 120খানা ছবি নিয়ে প্রদর্শনী কলকাতার ইতিহাসে অনেকদিন পরে হলো আজকে, কেমন লাগছে? দেখো সংখ্যাটা বড় কথা নয়, আমার কাছে যেটা খুব স্ট্রাইকিং লেগেছে যে একজন সরকারি আমলা তার এত ব্যস্ততার মধ্যে সে ছবি তুলে ছবি আঁকে ছবির প্রদর্শনী করে, এ থেকে কি প্রমাণ যেটা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে অত্যন্ত বার্তা বহক, সেটা হচ্ছে যে মানুষের যদি প্যাশনটা ক্লিয়ার করে, মানুষের যদি ভিশনটা ক্লিয়ার থাকে তাহলে অনেক তাহলে ব্যস্ততাটা কোনো প্রতিবন্ধক নয়, স্বপ্নকে রূপ দেওয়ার জন্যে মানুষকে অনেক দূরে হতে হয়, কোনো কোনো সেটা করে দেখিয়েছে আমার সমস্ত সাধু আর থ্যাংক ইউ।